हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होता है। एक्ट्रेस ने अपनी शानदार एक्टिंग से हॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रियंका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वो लगातार अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती हैं। इस बार एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा शेयर कर दिया है जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई हैं। हाल ही में पीसी ने यूक्रेन के कुछ रेफ्यूजीज से मुलाकात की और उनकी स्थिति देखकर एक्ट्रेस भावुक होती नजर आई। दरअसल प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पोलैंड में यूक्रेनी रेफ्यूजीज से मुलाकात करती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की गुडविल एम्बेसडर हैं। रूसी अटैक के बीच यूक्रेन से भागने के लिए मजबूर यूक्रेनी रेफ्यूजीज को पोलैंड में जगह दी गई है, जहां यूनिसेफ की तरफ से प्रियंका चोपड़ा ने यूक्रेनी बच्चों से खास मुलाकात की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीसी ने महिलाओं और बच्चों के साथ समय बिताया और सोशल मीडिया पर इस ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट की जानकारी भी शेयर की है। साथ ही वीडियो में देसी गर्ल यूक्रेन के छोटे बच्चों के साथ खेलती हुई भी नजर आ रही हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा है, द इनविजिबल वुंड्स ऑफ वॉर आर द वंस वी डोंट यूजुअली सी ऑन द न्यूज, येट दे वर सो एविडेंट टू मी टुडे आई स्टार्टेड डे वन ऑफ माय यूनिसेफ मिशन इन वॉरसॉ। 2/3 ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम यूक्रेन हैव बीन डिस्प्लेस्ड। दिस ह्यूज नंबर इज डिवास्टेटिंग रियलिटी ऑफ अ वॉर वेयर 90% ऑफ पीपल क्रॉसिंग द बॉर्डर आर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ब्यूरो रिपोर्ट। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। सलमान ही नहीं, कई सितारों के पास है बुलेट प्रूफ कार। लिस्ट में शामिल हैं बी टाउन के कई बड़े नाम। जब से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है, तब से ही सलमान के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहां तक कि सलमान को आर्म्स लाइसेंस भी मिल गया है और अब तो सुल्तान ने अपनी कार को भी बुलेट प्रूफ कर लिया है। ऐसे में हम आपको बता दें कि दबंग खान के अलावा बी टाउन में कई ऐसे सेलेब्स हैं जिनके पास ऐसी बुलेट प्रूफ कार्स हैं। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बॉलीवुड के उन सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पास बुलेट प्रूफ कार्स हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलेब्स आलीशान लाइफ जीने के शौकीन हैं। बी टाउन के ये स्टार्स लग्जरी गाड़ियों में सवारी करना पसंद करते हैं। हालांकि सलमान भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी चलाने वाले पहले बॉलीवुड स्टार नहीं हैं। दरअसल इस लिस्ट में पहला नाम शाहरुख खान का आता है। SRK के पास बुलेट प्रूफ कार है क्योंकि उनको हर वक्त सिक्योरिटी की जरूरत होती है। यही वजह है कि उनकी कार बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख की मर्सिडीज बेंज S600 गार्ड बुलेट प्रूफ है। अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकी भरे कॉल आने के बाद आमिर खान ने भी अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर लिया था और इसे बम प्रूफ करवा लिया था। आमिर के पास मर्सिडीज 7600 गार्ड है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के हैंडसम हंग ऋतिक रोशन ने भी अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कार को चूज किया है। ऋतिक के पास मर्सिडीज बेंज वी क्लास कार है जो बुलेट प्रूफ है। बॉलीवुड की बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत भी बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलना पसंद करती हैं। उनके पास BMW 7 सीरीज गार्ड कार है जो बुलेट प्रूफ है। वहीं बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस के पास जो रोल्स रॉयस फैंटम कार है वो बुलेट प्रूफ है। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ एक ऐसे सिंगर जुड़े हैं, एक ऐसे आर्टिस्ट जुड़े हैं जिनके बारे में हम हमेशा जानने को बेकरार रहते हैं। मेरे साथ अदनान सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहले तो। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ है आप, अलविदा कह के कहाँ चले गए, थोड़ा बता दीजिए हमें भी। देखिए मैं कहीं पे भी नहीं जाता, मैंने तो सिर्फ गाना बनाया और लोगों ने तरह तरह के उसमें अपने अपने ही ख्याल का इजहार कर दिया। लोगों ने कुछ लोगों ने ये कह दिया कि जी आपने
सोशल मीडिया को अलविदा कह दी है, कुछ लोगों ने ये सोचा कि शायद मैंने इंडस्ट्री को, म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, कुछ लोगों ने सोचा कि मैंने हिंदुस्तान को अलविदा कह दिया, कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि शायद मैंने जिंदगी का को अलविदा कह दिया। मैंने कहा यार कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक गाना है और आप अपने जो ख्वाब हैं उनको अपने तक रखिए, मैंने कुछ ऐसी बात नहीं कही। वैसे आप फैंस जाने भी नहीं देंगे इतनी दूर, इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे, कहीं अलविदा नहीं कहने देंगे आपको। हकीकत यह है कि उनका प्यार इतना खूबसूरत है कि मैं खुद कहीं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनके क्योंकि मेरे ख्याल में जिंदगी जो है वो प्यार के बगैर जो है वो बिल्कुल सूखी हो जाती है और बिल्कुल कड़वी हो जाती है, तो उनका प्यार इतना ज्यादा है कि मैं कभी छोड़ नहीं सकता। अच्छा, इस गाने के बारे में अगर मैं बात करूं अलविदा, कितना वक्त लगा आपको, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी टाइम से आपका हमने कोई गाना देखा नहीं है बहुत लंबे वक्त से, इस गाने के लिए आपने कितना वक्त लिया और ये अलविदा क्यों चुना आपने? एक्चुअली इसको काफी वक्त लग गया, क्योंकि मैं एक्चुअली जब ये पैंडेमिक हुआ और दुनिया जो थी वो रुक गई थी एक तरह से, तो उस वक्त मुझे मौका मिला थोड़ा सा सांस लेने का अपनी जिंदगी से और कुछ सोचने का कि भाई अब तक हम कहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले पहले तो हमारी इतनी भागदौड़ रहती है कि कभी समय नहीं मिलता सांस लेने का और सोचने का कि भाई आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, कुछ चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो जब मैंने थोड़ा सा वक्त निकाला तो मैंने ये सोचा कि भाई अब जो अगला दौर है मेरा, जो अगला फेज है मेरी जिंदगी का, वो मुझे जरा एक अलग अंदाज से अपना कदम उठाना चाहिए। तो उसमें फिर मैंने ये भी डिसाइड किया, जैसे आपने सही कहा कि बहुत अच्छे के बाद मैं दोबारा से म्यूजिक पेश कर रहा हूँ, तो मैंने कहा यार ये जो इतने लंबे लंबे गैप्स हैं ये अब आइंदा के लिए ये नहीं होने चाहिए, ये अब म्यूजिक जो है कुछ ज्यादा अब आपको रिलीज करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी कॉम्पोजिशन बनाना शुरू कर दी ताकि मैं जो अगला फेज है उसमें आपको बहुत रेगुलरली मैं आपको नए गाने पेश करता रहूं। तो उसमें ये जो गाना था ये मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा गाना बनाऊं जो हार्ट ब्रेक के बारे में हो, जो अलहदगी के बारे में हो, जुदाई के बारे में हो, जहाँ पर जज्बात जो है वो इतने बयान किए जाएं जो सिर्फ ना सिर्फ रोमांस के जुदाई के ऊपर हो या ब्रेकअप के ऊपर हो, मगर वो ऐसी भी अलहदगी जो इंसान महसूस करता है, जो दर्द महसूस करता है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई भी हमारा अजीब प्यारा प्यार वाला अगर हमसे जुदा हो जाता है, चाहे वो हमारा कोई हमारे वालदेन में से कोई क्यों ना हो, जैसे अगर कोई फादर पास हुए हो जाए या गुजर जाए या मेरी या कोई वालदा गुजर जाए, तो वो ये गाना जो है वो सबके लिए रिलेटेबल हो। तो दैट्स हाउ मैंने ये गाना कंपोज किया म्यूजिकली, और फिर कौशल मुनीर ने बहुत खूबसूरत के ऊपर लिरिक्स लिखे जो मेरे दिल की बात जो थी वो मैं बयान कर सका। तो मैंने सबसे पहले इस नए दौर का सबसे पहला जो गाना है वो मैंने अलविदा चुना, दैट्स हाउ आई कंपोज। अच्छा, जैसे सर आपने बोला कि आप नया दौर लेके आने वाले हैं, अलविदा के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, वैसे जो आपका जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी जिंदगी में आपके बदलाव लेके आया है, फैंस जानना चाहते हैं हमेशा, इसको मेंटेन करना आपके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान है? इसको मेंटेन करना बड़ा आजाद है क्योंकि हर जो इंसान, हकीकत ये है कि जो इंसान मोटा हुआ है जिंदगी में उसको जिंदगी भर के लिए, चाहे वो पतला क्यों ना हो जाए, उसको हमेशा जिंदगी भर के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि वो कभी भी अगर थोड़ा सा लापरवाह हो जाए तो वो कभी भी उसका वजन बढ़ सकता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हालांकि मैंने जब मैं मेरा जो अरूज था वजन का वो 230 किलो तक मैं पहुंच गया था, तो मैंने फिर 130 किलो कम किए,
लेकिन लेकिन बात यह कि उसको उसको मेंटेन करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, और कभी कभी 5 किलो बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी 8 किलो बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो मेरा ये कांस्टेंट ऊपर नीचे जो है ये सीसॉ की तरह होता रहता है, यू नो। तो लेकिन ये अब जिंदगी की हकीकत है मेरी, मेरे साथ कभी कभी कम हो जाता है, तो इसके साथ समझौता करके आगे लाइफ में जाना पड़ता है मुझे। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।